कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके अंदर जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी कहावत को सिद्ध करके दिखाया है सत्यम चौरसिया ने। बभनजोत के अलीपुर गांव के सत्यम चौरसिया ने नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में चयन होकर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। परिजनों व क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। परिजनों व प्रशंसकों ने सत्यम को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सत्यम की प्रारंभिक शिक्षा APC इंटर कॉलेज दौलतपुर ग्रांट में हुई और अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया। शिवम के पिता दिवाकर जायसवाल शिक्षक तथा माता शिक्षिका हैं। सत्यम ने कहा, मैं IAS बनकर देश की सेवा करूंगा। क्या नाम है सर आपका? दिवाकर जायसवाल। अच्छा, कौन सा स्थान है ये? अलीपुर है। अच्छा, ये इनका नवोदय में आया है 6 क्लास में, इनका क्या नाम है? सत्यम चौरसिया है। सही, आपका कौन है? ये हमारे छोटे पुत्र हैं। अच्छा अच्छा तो ये बताइए, जिले में नवोदय में मतलब कितने लोग फार्म डाले थे? लगभग 8,000 के ऊपर फार्म पड़े हुए थे और 80 सीटें थी, तो हमारे इसमें जो है इनका चयन हुआ। अच्छा, 6 में प्रवेश के लिए। अच्छा, इसके लिए क्या कहेंगे आप? जैसे इन्होंने मेहनत करके जो है नवोदय में स्थान प्राप्त कर लिया है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे? जी देखिए, शुरू से ही हमारे जो है ये नवोदय में जाने के लिए बार बार मतलब ये उत्सुक थे, क्योंकि इनके पहले 2 बच्चे हमारे नवोदय में जो है पढ़ चुके थे, तो उन्हीं को देख करके कठिन मेहनत करके ये भी अपना जो है उसी रास्ते पे चलना चाहते थे, और भगवान ने वो सफलता दिया कि इनका भी जो है चयन नवोदय विद्यालय प्रदेश में हो गया है। क्या नाम है तुम्हारा? सत्यम चौरसिया। नवोदय में आपका किस क्लास में एडमिशन मतलब चयनित हुआ है? क्लास सिक्स में। अच्छा, तो ये मतलब जो आपका स्थान प्राप्त हुआ है नवोदय में 6 क्लास में, तो उसमें किसका श्रेय है? मम्मी पापा का और राजेश सर का। अच्छा अच्छा, इसके पहले आप 1 से 5 तक किस क्लास में किस विद्यालय में पढ़े थे? APC इंटर कॉलेज। अच्छा, कौन किस जगह पे है? दौलतपुर। तो वहाँ से रह के तैयारी, आप वहाँ पढ़ के तैयारी किए हैं, घर पे तैयारी किए हैं नवोदय का? घर पर। कौन कौन से विषय थे? हिंदी, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स। अच्छा अच्छा, तो कैसा लग रहा है मतलब उसमें नवोदय में आपका नाम आया है 6 क्लास में, तो आपको किस तरह महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है ना। तो लोगों से आप क्या कहेंगे और बच्चों से क्या कहेंगे कि मतलब वो लोग भी इस तरह करें, मेहनत करें? अच्छा, मेहनत करें तो उनको भी इसी तरह से मंजिल हासिल हो सकती है। क्या बनना चाहते हो पढ़ाई करके? IAS ऑफिसर। अच्छा, IAS ऑफिसर।